हेलो गाइस, आज का मुकाबला, कल का मुकाबला जो हुआ था राजस्थान और हैदराबाद के बीच में, जिसमें हैदराबाद जीत गई थी, उसका मैंने पूरी डिटेल नहीं वो किया था। आज उसकी हाईलाइट में डालने जा रहा हूँ। आज है 25 तारीख, आज इलेक्शन का सेकेंड डे है। इसके बाद जो है फाइनल जो है 1 तारीख को होगी, और उसके बाद 4 को गणना होगी, उसमें पता चलेगा कि कोई किसकी सरकार बन रही है। और इस पर जब हैदराबाद और राजस्थान के बीच में जो 22 तारीख को मैच हुआ था, उसको हमें जो है हाईलाइट में आज जो है दिखाएंगे। आईपीएल मैच सेमीफाइनल सेकेंड, अब ये देखता हूँ कि अब हाईलाइट में जो है बैटिंग जो है हैदराबाद की है, और जो है राजस्थान जो है बॉलिंग कर रही है। अब स्टार्ट हो गया मैच, और टॉस जीता है राजस्थान ने, बैटिंग चूज की है, बॉलिंग चूज की है। ये फाइनल है जो कल जो है 25 तारीख है, और 26 तारीख है, आज 25 है, कल 26 तारीख को जो है राजस्थान और कलकत्ता के बीच में मैच होगा, और फाइनल मैच है। अब इसको देखना होगा कैसे जीतते हैं, बल्कि आज जो है हम हाईलाइट हैदराबाद और राजस्थान के बीच में दिखाते हैं कल का मैच का हाईलाइट। और ये शुरू होने वाला है अभी तुरंत। जो है राजस्थान रॉयल ने टॉस जीता और बैटिंग फील्डिंग का निर्णय लिया है, और हैदराबाद ने बैटिंग का निर्णय लिया है। बहुत ज़बरदस्त फाइनल, जिसको जो है दोनों इनका शुरुआत हो गई। ये पहली गेंद पे जो है उड़ा दिया है, ये दूसरी गेंद पे उड़ा दिया है, वहाँ पे 4 रन, तीसरी गेंद पे उड़ा दिया है, ये 7 रन बना लिया। अभिषेक ने 6 रन पे खेल रहे हैं, और हेडन 11, अभिषेक ने मार दिया बहुत ज़बरदस्त, वो छक्के आउट हो गए, अभिषेक आउट हो गए। ओ हो, बाउंड्री पे बहुत किनारा लिया, वहाँ पे की फील्डर मौजूद, और वहाँ पे 12 रन पे आउट होके चले गए, कैच आउट हो गए अभिषेक शर्मा। कोहलर है बहुत ज़बरदस्त, आर अश्विन के बॉलिंग से जो कैच, ये और अश्विन नहीं कोई और थे, अब आर अश्विन बॉलिंग कर रहे हैं, उड़ा दिया कस के, वहाँ पे 6 का जाएगा ज़बरदस्त। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार है, 25 का रन रेट हो गया एक विकेट पे, ये 7 रन ज़बरदस्त, और 30 रन बन गए। और अगला गेंद जो है स्पोर बाउंड्री पार, 30 रन हो गए 3.2 ओवर में। अगली गेंद खेल दिया बहुत ज़बरदस्ती से, वो भी बहुत तेज के साथ, वहाँ 4 रन मिल जाएंगे 34 रन बनाकर, एक विकेट 3.3 ओवर। हेड खेलने 6 रन पे मार दिया पीछे की तरफ 6, ओहो कोई नहीं रोकने वाला। 38.11 देखते हैं, हेडन मिंद त्रिपाठी हो 20 रन बना चुके हैं, हेड खेलने 6 रन, और इधर मार दिया कर्ष के त्रिपाठी ने 27 रन। ओहो बहुत ज़बरदस्त मैच, 51 रन मार दिया उधर, 51 रन पे स्कोर पहुंच गया ज़बरदस्त 4.1, और ऊपर उछाल दिया, ओ कैच आउट है, ओहो त्रिपाठी कैच आउट हो गए ज़बरदस्त, ओहो पीछे की तरफ उड़ा दिया है, वहाँ पे फील्डर मौजूद, हर बॉल की तरह से पीछे उड़ाने पे नहीं मिलता है भैया, कभी कभी कैच भी हो जाते हैं, अक्सर ये बहुत ज़्यादातर जो है बच जाते हैं, कि अब की जो है कैच हो गए पीछे की तरफ खेल दिया। तो अब जो है अब देखें एडन माइक्रन आगे है, माइक्रम जो है आहो ये भी जो है विकेट खो दिए क्या भैया, ये देखो कैच क्षमा बैठे, ओ हो गजब, आते ही आते कैच, बहुत बुरा हाल है बहुत बुरा हाल बताइए हैदराबाद। ये माइक्रन 1-2 गेंदों पे 1 रन बना के कैच थमा के चले गए। अब आए हैं हेनरिक क्लासेन, क्लासेन देख जा करते मार दिया उड़ा के कस के, देखते कैच बचते हैं, बच गई थोड़ा सा था, नहीं तो वो भी कैच हो जाते। 5.63 रन पहुंच गया, अगले गेंद खेल दिया वो सीधे बाउंड्री पार, 70 रन हो गए। अभी 74 रन के बाद जो है फिर 6 लग गया, मार दिया हेड ने 6 मारे 17 रन पे, 23 रन बन गए 17 से फिर 23, ओहो ज़बरदस्त बाउंड्री बचा लिया, 4 रन मिलेंगे, लग गई 4 रन। अब 84 रन बन गए, 84 से सीधे 6, ओहो इतनी ज़बरदस्त बैटिंग, 9.5 ओवर में 99 रन 3 विकेट, हेडन बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, ओहो उछाल दिया गेंद, वो सीधे छक वहाँ पे बाउंड्री पे कैच हो गए भैया। हेडन हेड ट्रेविल्स हेडन 34 रन बना के आउट हो गए। अब नीतीश कुमार रेड्डी आए हैं, ओहो रेड्डी देखो मारते हैं उड़ा दिया खस के, ये जाएगा 6, कोई नहीं रोकने वाला भैया, ओहो हो गए से नीतीश कुमार का छक्का, और अगली बार गेंद मार दिया है, ये देखो कैच हो गए, ओहो बहुत बुरा हाल, नीतीश भी आउट होने वाले हैं क्या, नीतीश कुमार का है कि देखते किसका है ये,
देखना पड़ेगा भाई, बहुत जल्दी आउट होते चले जा रहे हैं। विकेट 120 रन पे पांचवा विकेट, नीतीश कुमार रेड्डी कैच आउट हो गए आवेश के बल पर, आवेश के बाल पर। अब अगले विकेट कौन आ रहे हैं, सदमत आ गए, मार दिया एक विकेट, आओ स्टंप उड़ा दिया इन्होंने भाई, कि अपनी गेंद से समझ जो है स्टंप उखाड़ दिया भाई, बहुत गजब का मैच। ओहो बहुत बुरा, ओहो हैदराबाद जो है पांचवा विकेट, छठवा विकेट गिर गया 120 रन पे। अब्दुल समद, ओहो शहबाज अहमद आए हैं, ये देखिए क्या कमाल करते हैं शहबाज अहमद, ये उड़ा दिया, ये तो बहुत छक्का जाएगा पक्का है, आर अश्विन की बॉल पे छक्का। ओहो 121, ओहो 132 रन हो गया ये 15 ओवर में। अब अगली गेंद खेल ले, उड़ा दिया पीछे की तरफ, कहता है लगी नहीं, वाइट का इशारा भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही है 15.1, 132 रन का स्कोर हो गया 6 विकेट खोकर। अब अगली गेंद खेलेंगे 16 ओवर, 136 रन उड़ा दिया खसके, ये छक्का है, छक्का पक्का छक्का है, 8.5 रन रेट चल रहा है, छक्का मार दिया भाई 150 रन, दो दो छक्के पड़ गए भाई, 161 रन पहुंच गए। ओहो क्लासेन जो है 49 रन पे खेल रहे हैं, ओहो 49 रन बना लिए 32 गेंदों पर, 50 हो गए 33 गेंदों पर क्लासेन का, 17 रन पे खेल रहे हैं शहबाज। ओहो अब 162 रन का स्कोर हो गया 6 विकेट खो के 17.5, 18 ओवर 163 रन, ओ आउट हो गए, स्टंप हो गया भाई, स्टंप उखाड़ दिया भाई। ओहो जबरदस्त बॉलिंग, बताओ 163 रन 170 रन हमारे ख्याल से, देखते हैं क्या है, 163 रन बन गए, हेसरिन क्लासिन आउट होकर 50 रन बनाकर, वाह चलो अर्ध शतक मार के जा रहे हैं शहबाज, और वो जो है क्रमिस आ गए हैं, उन्होंने पीछे गेंद उड़ा दिया, उड़ा क्या दिया, छूट गई गेंद, वो सीधे 4 रन बाउंड्री पे 170 हो गए, अगली मार दिया वहाँ पर कैच हो गए जाएंगे, जहाँ तक है कैच आउट। ओहो सातवां विकेट गिर गया, ओहो बहुत बुरा हाल है, 170 पे सातवां विकेट, बहुत ज़बरदस्त कैच हुआ है, बहुत दूर से आना पड़ा, वहाँ पे कैच हो ही गया, 108 विकेट पे 170 रन शहबाज ने। अब देखते हैं 3 गेंद और बची 170 के, अब कितना मारते हैं क्या नहीं मारते, उड़ा दिया ये, देखते 4 रन जानता है कि नहीं, 4 रन बन गए 174 रन, ओ बहुत ज़बरदस्त डन कट है, उनकट है 175 रन 19.5 ओवर 175 रन आउट, हमारे ख्याल से 9 विकेट हो गए 175 रन पे ऑल आउट, शायद नहीं ऑल आउट नहीं हो, 9 विकेट गिर गया होगा जहाँ तक है। फिलहाल जो है 175 रन 176 रन बनाने होंगे राजस्थान को। ओहो अब राजस्थान की पॉइंटिंग आने वाली है, आउट माना जाएगा, 9 विकेट हो गए 175 रन, रन के दौड़ने में अपने आप को जो है 1 रन आउट हो गया सब्स्टिट्यूट। अब देखते हैं राजस्थान रॉयल क्या कमाल दिखाती है, हैदराबाद के बाद राजस्थान रॉयल की बैटिंग है, 176 का टारगेट दिया गया 20 ओवर में। अब देखें राजस्थान रॉयल, अब आए यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल क्या करते हैं ओपनिंग बैटमैन, इन्होंने मारे हैं 190 इनिंग खेली है, 4772 रन बनाए, 50 भुवनेश्वर की गेंद, और इस वक्त भुवनेश्वर बॉलिंग करने जा रहे हैं, उड़ा दिया, ओहो छक्का, एक ओवर में छक्का मार दिया, मतलब 8 रन हो गए एक ओवर में। अगली गेंद खेल दिया, ये भी बहुत तेज निकली है 2.4 ओवर में 20 रन, और 3.3 ओवर में 20 रन तब भी, ओहो 3.3 ओवर में 24 रन, और 3.5 ओवर में मार दिया है बहुत 24 रन, कैच हो गया, ओहो कोहलर बैटमैन आउट हो गए, ओहो कौन आउट हुआ भैया कहल रन, ओहो 24 रन पे एक विकेट गिर गया, ओ कैच आउट हो गया भैया, ओहो 24 रन पे कैच आउट, बहुत बुरा, ये जावे कोहलर कैडमोर, ओहो त्रिपाठी की गेंद पे कैच आउट हो गए भैया। अब अगला संजू सैमसन आ गए, अगले संजू सैमसन क्या करते हैं, कहे ये है बैट्स, वो है शायद हमारे ख्याल कैप्टन है, इन्होंने उड़ा दिया कस के, 4 रन के लिए 28 रन हो गए 5 ओवर में, इन्होंने उड़ा दिया कस के, और अब देखें वहाँ पे कोई फील्डर नहीं, 4 रन छक्का मारे है, छक्का मार दिया, ये भी उड़ा दिया फिर से, ये 4 रन बनेंगे, 38 रन एक विकेट पे 5.1 ओवर में 36 में, फिर चौवा मार दिया उन्होंने, 42 रन हो गया भैया, अब 46 रन हो गया, फिर मार दिया उड़ाकर 46 रन, वो हो 5.7.1 ओवर में मार दिया कसके, ये छक्का गया आसानी से, 57 रन हो गए 65 रन हो गए, ये मार दिया उड़ा के 65 के रन बना के, देखते हैं ये कैच आउट ना हो जाए भैया, कैच हो गए, ये संजय
सैमसंग आउट हो गए भाई, बहुत बुरा हाल। कैच बाउंड्री के सटा हुआ था, यहाँ पे बड़ी ऊंची उठा दिया गेंद को, वो पहुँच गए कैच आउट 42 रन पे 21 गेंदों में 42। बहुत अच्छा रन रेट है इनका, बहुत अच्छा खेले। रियान पराग आ गए अगली गेंद खेलने के लिए, तैयार हो गए, बहुत कस के उड़ा दिया है भाई, वहाँ पे कैच आउट लो 67 रन पे कैच आउट पराग सेंगवाल जो है, वो बहुत बुरा हाल। ओह तुरंत जो है अभी आते ही आते विकेट खो दिया भाई, इतनी जल्दी का जी क्या था, थोड़ा सा संभल के खेलते। ओहो आउट हो गए बाउंड्री पर, कैच आउट हो माने हैं ये राजू सैमसंग 10 गेंदों पर आउट हो गए, संजय सैमसंग सैमसंग। और अगली गेंद खेलने के लिए एक पराग आए, पराग ने जो है उड़ा दिया कस के, ये भी कैच आउट। ओहो ऊपर की तरफ मारोगे भैया तो या तो छक्का मारो, यहाँ पे कैच हो जाओगे, बाउंड्री के अंदर रखोगे, बहुत तेज पराग की गेंद आउट हो गए। पराग ने अपनी उछाल दिया ऊपर की तरफ फील्ड में, बाउंड्री तो नहीं गई भाई, फील्ड में ही थी और इसलिए कैच आसानी दे दिए, काफ़ी ऊंची थी गेंद को। अब देखते हैं अगली गेंद खेलने के लिए जो है कौन आ रहे हैं, सियान पराग आउट हो गए। अब देखते हैं आर अश्विन आ गए, अश्विन देखो क्या करते हैं, अश्विन ने मार दिया शायद जो है चार, ओ विकेट शायद हो गया, विकेट आउट हो गए, आउट हो गए, कैच आउट। वही पी विकेट कीपर ने ले लिया उड़ाने की कोशिश में, थोड़ी से बैट से छू गई और कैच पीछे विकेट कीपर ने ले, रविंद्र अश्विन नाम है इनका, सी क्लास है, 20 क्लास है। और सिमरन आ रहे हैं हेड मायर, अभी अगली गेंद पे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं देखना होगा। ये देखा सिमरन 84 रन के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और इन्होंने बढ़ाया क्या, सिक्स मार दिया, ओ सीधे 90 रन, गजब, ओहो सिक्स। अब 13.3 ओवर में उड़ा दिया, ओहो विकेट पे ही लग गई, ओहो स्टंप हो गए भैया, आते आते गेंद को समझ में नहीं, उड़ाने की कोशिश किया लेग पे जो है, लेग पे नहीं हाफ स्टंप को उड़ा दिया उन्होंने। अब ये है शिवरम हेड मायर बी अभिषेक, अब आए हैं पावेल, पावेल देखो क्या करते हैं छठवें विकेट पे, ये चावल ने उड़ा दिया, अब देखते हैं क्या पहुँचते हैं क्या नहीं होते, वहाँ पर 4 रन मिल गए। सुरेल ने मारा है दूसरी गेंद, ओहो बहुत बुरा हाल हुआ, मार दिया 4 रन, बहुत गजब 103 रन का स्कोर हो गया, और उड़ा दिया खसके लियो एकदम चौका, एकदम बाउंड्री छूती हुई एकदम, अगली गेंद और मार दिया, ये देखो 4 रन के लिए 113 रन हो गए, इसको कोई नहीं रख सकता। 15.5 ओवर में पावेल, अरे जुरेन मार रहे हैं धड़ाधड़, और जुरेन मारे फिर इन्होंने मार दिया 34 के बाद, अब तो सीधे जो है चौवा हो गया, अब 37 के बजाय, और आउट से बचा लिया क्या, ये आउट कह रहे बाउंड्री से बचा लिया क्या, जीत के लिए चाहिए 62 रन 23 गेंदों पर। अब देखे 23 गेंदों में 62 रन नहीं बना पाई है, इतना आसान नहीं है बहुत, अभी भी अभी इनको 6 बालरी सेल 16.17 ओवर हो गए, इन्होंने उड़ाना शुरू किया, कहीं पे ही गेंद गिर गई, चोट लग गई उनको, कौन है भैया सुरेल को जो है क्या बोलते लग गई वो हो धूड़ी में लग गई, वो सर की धूड़ी में लग गई, वहाँ पे गिर गए। अब अगली गेंद खेल दिया कस के उड़ा दिया है सिक्स के लिए, देखे क्या करते कैच तो नहीं तो हो जाए, कैच आउट हो गए, ओ हो बाउंड्री पे कैच आउट, बहुत अच्छा कैच ले लिया भाई, बहुत बुरी तरह से राजस्थान रॉयल हारने के अब हो गया, आप नहीं बच पाएंगे, आराम से हारने के मूड में आ गए। 224 रन 7 विकेट सैम्स है, पावेल आउट हो गए 12। अब देखते हैं कौन आ रहे हैं भैया, बोल्ड आ गए 0 पे, अभी सुरेल मार दिया उड़ा के कस के, देखते हैं क्या होता, 24 रन 124 7 विकेट पे 4 रन मिल गए आराम से 18 ओवर में 128 रन, ओ फिर उड़ा दिया इन्होंने, देखे क्या होता, यानी 128 से सीधे 132 रन हो गए होंगे 132, गजब। अब तो देखते हैं 18.5 ओवर में उड़ा दिया खस के, ये क्या है भैया, ये तो गेंद जो है 18.19 ओवर में 134 रन 7 विकेट, बोल्ड खेल रहे हैं, ओहो सुरेल मारे 51 रन बना दिया सुरेल ने, गजब, ओहो अब ये मार रहे छक्का मार दिया भाई, ओहो चौवा मारा, ये देखो भाई 138 पे चौवा मार दिया, उठा दिया कस के, ये देखो क्या हो गया, ओ 138 बनाए रन टोटल 55 पे जो है जुरेल खेल रहे 34 गेंदों पे, और सुरेल जो है ओहो बहुत बुरा हाल आउट, अब ले ख़त्म हो गया खेल, ओहो बहुत ये 138 रन बना पाई टोटल, उनको चाहिए था 176 रन, हमारे ख्याल से जो है 20-25 रन 26 रन से हार गई, 26-27 रन से, ओ बहुत बुरा हाल है। हैदराबाद जीत गई सेमीफाइनल, व फाइनल में सीधे 26 तारीख को जो है हैदराबाद कलकत्ता का मैच हो गया 6:30-7 बजे जब भी होगा, कल हम बताएंगे इसके बारे में। अब ये 139 रन बना पाई 7 ओवर 7 विकेट खो के,
और 36 रन से हार गई है, 36 रन पे हार गई। बहुत बुरा हाल हो गया राजस्थान रॉयल का। हैदराबाद बताइए, अभी पिछले मैच में जो है 22 तारीख को जो है किसके साथ था, बताओ, इन्हीं का मैच था, हैदराबाद और हैदराबाद ग्वालियर का, बेंगलोर का, ओ नहीं हैदराबाद, हाँ ग्वालियर का था। अब जो भी है, जो इसमें का विराट कोहली थे, बताइए उसमें भी जो है कहीं ना कहीं कोई अच्छा खेलता है कोई वो करता है, इसीलिए दिक्कतें आ जाती है, और इसलिए जो है बहुत बुरा हो गया। इसमें भी जो है अच्छे खासे जीत रहे थे, है बताया राजस्थान रॉयल्स से जो है विराट कोहली की टीम हार गई थी, आज जो है फिर राजस्थान रॉयल्स जो है इससे हार गई, बताइए बेंगलोर से, बेंगलोर को हराया था शायद, जो है बेंगलोर नहीं हारी थी, जीत गई थी शायद जो है बेंगलोर को, है बहुत बुरा हाल है। लोग जो है अभी कलकत्ता तो इतनी ज़बरदस्त टीम है, उसको समझ ही नहीं पाते हैं। ओहो विराट कोहली की थी बेंगलोर, बेंगलोर और राजस्थान की थी, ओह बहुत बुरा हाल था इस वक्त राजस्थान रॉयल बेंगलोर की टीम ने, कोहली ने जो है अच्छा रन बनाया था और सब विकेट जल्दी जल्दी गिरने से जो है बहुत बुरा हाल हो गया था। इस वक्त जो है देख हैं, इस वक्त जो है इतने इतना रन अच्छा से अच्छा बना दिए थे, वो भी जो है लास्ट में जो है एक ओवर रह गए थे, नहीं तो ये जीत जाते अगर ठीक से 2-4-10 और रन होते तो तब दबाव में आ जाती, बाकी वो क्या होने को कौन टाल सकता है। आखिरकार बहुत बुरा हाल हो गया। अब जो है सीधे जो है आपका हैदराबाद की जो है लड़ाई जो है अब फाइनल का हो गया क्लियर, 26 तारीख को जो है कलकत्ते के साथ हैदराबाद की हैं जी हैं फाइनल मैच है। अब देखते हैं फाइनल मैच जो है, हमें लग रहा है उसे पलड़ा तो जो है कलकत्ता का भारी है, वो फाइनल बहुत पहले ही पहुँच चुकी थी, अब ये फाइनल में अब पहुँचे हैं सेमीफाइनल फाइनल, ये काफ़ी लड़ते झड़ते अब जो है फाइनल में पहुँच पाए हैं। बहुत बुरा हाल है। अब हैदराबाद को अपने अपने आप को साबित करना होगा कि हम नंबर 1 हैं या नंबर 2 के हैं, उसे नंबर 2 ही अभी आ रहे हैं, अभी नंबर 1 पे तो कलकत्ता ही है क्योंकि बहुत पहले ही से वो जो है एकदम अभी भी नंबर 1 पे बने हैं वहाँ पर कलकत्ता का। अब कलकत्ता जो संभा है अगर ये जीत जाती है उसे तो है 50-50 क्या, कभी भी मैच में तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है दोनों टीम अच्छे है, बाकी देखा जाए तो कलकत्ता जो है थोड़ा 20 है, ऐसा नहीं है, अभी उसमें बैट्समैन अच्छे हैं, विराट बॉलर भी अच्छे हैं, है कौ तो जो है जल्दी बुक कर दे, ऐसा नहीं है। अब तो फिलहाल जो है अब मैच कल देखने पर पता चलेगा। अब जो है मैच को जो है कल जो है फाइनल को हम इसी टाइम पर दिखाएंगे, और तब तक के लिए जो है जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।